गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी का अर्थ होता है, सामान्य अर्थ में इसको बोलते हैं गुसाई, मतलब जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली, इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली वो गोसाई कहलाता है, वो गुसाई या फिर गोस्वामी कहलाता है। ठीक है, इसलिए ऊपर इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के कारण गोस्वामी कहलाए। जन्म श्रावण शुक्ल सप्तमी, श्रावण शुक्ल सप्तमी। ठीक है, विक्रम संवत 1554, विक्रम संवत 1554, लगभग 1497। ठीक है, अरे 57 वर्ष एक्स्ट्रा जुड़ेंगे, 1571 वर्ष, 1571 ईस्वी में। ठीक संवत आगे है तो कम पड़ेगा, 51 वर्ष घटाना पड़ेगा, 1497 होगा। ठीक है, इसमें थोड़ा देख लेना है ना सर, 1511 ईस्वी नहीं है क्या? अच्छा, नहीं और निर्वाण संवत 1680। ठीक है, 126 वर्ष तक आयु काल था संवत, ये सही है, 57 वर्ष एक्स्ट्रा है संवत, 57 वर्ष आगे चलता है ईस्वी से। ठीक है, तो 1497 में जन्म है, 1623 में शरीर छोड़ दिया, 1623 इसमें शरीर त्याग निर्वाण को प्राप्त हुए। ठीक है, यही होगा 1497, 1626 का आ रहा है, सही हो रहा है। ठीक है, श्रावण शुक्ल सप्तमी को इनका जन्म हुआ। ठीक है, 12 महीने तक माँ के गर्भ में रहे, कितने 12, सामान्य 9 महीने तक ही माँ के गर्भ में बच्चा रहता है, ये 12 महीने तक रहे और जन्म लेते ही सबसे पहले बालक रोते हैं, इन्होंने मुंह से नाम बोला राम, इसलिए नाम पड़ गया राम बोला। इनके जन्म लेते ही माँ की तुरंत मृत्यु हो गई, माँ की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, क्योंकि 12 वर्ष 12 महीने रह गए तो फिर सहन कर पाना प्रसव पीड़ा कठिन था, इसलिए पिताजी ने अशुभ मानते हुए जो घर में नौकरानी थी सेविका थी उसको दे दिया इनको। ठीक है, अशुभ मानते हुए 5 वर्ष तक उनके पास रहे, 5 वर्ष के थे तब तक वो सेविका भी चल बसी, इस प्रकार पूर्ण रूप से अनाथ हो गए, पूर्ण रूप से 5 वर्ष की उम्र में अनाथ हो गए। ठीक है, और फिर धीरे धीरे भटकते रहे, कभी कोई बाबा मिला, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ, फिर गुरु मिले, फिर गुरु मिले नरहरि दास। क्योंकि जन्म से ही राम का नाम बोला तो राम के प्रति प्रीति थी, तो नरहरि दास ने बोला राम कथा कहेगा, हाँ, तो नरहरि दास ने भगवान राम के मंत्र की गुरु दीक्षा दी और राम कथा सिखाई, और राम कथा सिखाई, वो राम कथा तब संस्कृत में रामायण की होती थी, संस्कृत में रामायण की होती थी, और तुलसीदास जी राम कथा कहने शुरू हुए, रामायण की कथाएं और गाने लगे, और धीरे धीरे तुलसीदास प्रसिद्ध होने लगे, धीरे धीरे क्या हुए, तुलसीदास प्रसिद्ध होने लगे, प्रसिद्ध हो गए। फिर तुलसीदास जी ने विवाह किया, तुलसीदास जी का विवाह हो गया रत्नावली से, तुलसीदास जी का विवाह हो गया रत्नावली से। ठीक है, पत्नी बहुत सेवा भावी थी, बहुत सेवा भावी थी, और ये पत्नी पर बहुत आसक्त थे,
क्योंकि जीवन में स्नेह प्रेम कभी मिला नहीं, माँ का नहीं मिला, किसी का नहीं मिला, तो पत्नी पर बहुत आसक्त थे। एक दिन ये रामकथा कहने गए हुए थे और रक्षाबंधन का समय था, तो भाई लेने आ गया था और रत्नावली भाई के साथ चली गई। पड़ोस को बता दिया कि मैं मायके जा रही हूँ, कल सुबह वापस आ जाऊंगी, आप वो आए तो बता देना। तुलसीदास जी घर आए तो बताया गया कि रत्नावली तो मायके गई है, इनसे सहा नहीं गया। नदी उफान पर थी, नदी रात का समय था, कोई पार कराने वाला भी नहीं और नदी उफान पे। इन्होंने क्या किया, लाश बहती आ रही थी, लाश के ऊपर चढ़ के नदी पार कर ली, ठीक है, और जाके रात्रि में ससुराल पहुंच गए। तो ससुराल पहुंच गए, ससुराल वालों ने बुरा भला कहा होगा रत्नावली को। रत्नावली ने आके इनको कहा कि इतनी आसक्ति मुझ में है, इतनी यदि प्रभु राम में दिखाई होगी तो अभी तक प्रभु राम मिल जाते। तुलसीदास जी को वो बात चुभ गई कि मैं इतना परेशानी भुगत के आया, इसने मेरी प्रशंसा की तुलना में मुझे से कड़वे वचन बोल रही है। तुलसीदास जी ने बोला, संसार निरर्थक है, सब कुछ रिश्ते नाते निरर्थक है। तुलसीदास जी उसी समय चले गए, उसी में घर छोड़ के चले गए, बनारस चले गए पुनः, और राम भक्ति में अपने रामकथा राम भक्ति में लीन हो गए। और फिर ये सोच जाते थे, तब सोच क्रिया से निवृत्त होकर हाथ धोने के बाद जो पानी शेष बचता था वो एक वृक्ष में डाल देते थे, कई वर्षों तक ऐसा करते रहे। सोच जाने के उपरांत जो पानी बचता था वो एक वृक्ष की जाड़ों में डाल देते थे। उस वृक्ष पर एक भूत रहता था, वो भूत तृप्त हो गया, तर गया, क्योंकि अपने यहाँ पितृ जल से तर्पण से तृप्त हो जाते हैं, उनकी मुक्ति हो जाती है, मतलब दूसरे लोक में जाने के लिए, मतलब पुनर्जन्म या जो भी कोई योनि है उसमें जाने के लिए वो प्रेत भाव से मुक्त हो जाते हैं। तो वो भूत बोला कि आप मेरे से कुछ मांगिए। तो तुलसीदास ने बोला, आप कौन हो, सामने आओ। सामने तो मैं आ नहीं सकता क्योंकि आप है तेजस्वी, तो क्यों, तो क्या क्यों देना चाहते हो, कि आपने इस पेड़ में जल डाल डाल के मुझे तृप्त कर दिया, मेरा जीवन को गति दे दी आपने, अब मेरा अगले जन्म में, मतलब मैं अगले योनि में जा रहा हूँ, तो इससे पहले तो तुलसीदास जी ने कहा मुझे हनुमान जी के दर्शन करवा दीजिए। तो बोले, हनुमान जी के सामने जाने की तो मेरी शक्ति नहीं है, लेकिन मैं बता सकता हूँ कि हनुमान जी कहाँ आते हैं। तो ठीक है, मुझे बताओ। तो बोला कि राम कथा वहां हो रही है, वहां हनुमान जी ओढ़ के रोगी के रूप में आते हैं, कंबल ओढ़ के, और सबसे पीछे बैठे रहते हैं, कथा सबसे बाद में जाते हैं, बाद में आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं। ऐसा कहा, ऐसा सब लोग चले। तो तुलसीदास जी ने ध्यान रखा, बता दिया था कोड़ के रोगी ओढ़ के, भूत अपना वो प्रेत था वो मुक्त भाव चला गया, तुलसीदास जी रामकथा में आ गए। एक दिन बीता, पता नहीं चला, दूसरे दिन बीता, तीसरे दिन से पहले ही आके बैठ गए। उस दिन हनुमान जी पहले, उन्होंने पहचान लिया, कहा यही है, जाके पास में बैठ गए। सब लोग चले गए, जोर से हनुमान जी का पैर पकड़ लिया जोर से। तो हनुमान जी बोले, अरे भाई क्यों मुझे कोड़ी रोगी को हाथ लगा रहे हो, कोड़ हो जाएगा, ये वो बहाने बनाने रहते। इन्होंने बोला, मैं समझ गया हूँ आप कौन है, मैं सब जान गया हूँ, अब तो मैं आपको छोड़ने वाला नहीं जब तक आप मुझे अपना दर्शन नहीं देने वाले। तो हनुमान जी ने अपने स्वरूप का दर्शन दिया और आशीर्वाद दिया कि हाँ तुझे, तू राम की भक्ति में लगे रहो, इसी प्रकार राम अवश्य दर्शन देंगे, फिर वहां छोड़कर चित्रकूट रहने लग जाते हैं। और इसी समय एक बार राम और लक्ष्मण आते हैं, तुलसीदास जी वहां चंदन घिस रहे होते हैं चित्रकूट में। राम आते हैं लेकिन हनुमान जी इशारा करते हैं, बंदर के रूप में हनुमान जी वहां रहते हैं, इशारा करते हैं, लेकिन तुलसीदास जी को समझ में नहीं आता है। हनुमान जी आके तुलसीदास जी को डांटते, अभी राम लक्ष्मण आके गए तुम्हारे सामने, तुम्हारे पास से, तुम पहचान नहीं पाए, अब क्या, एक बार फिर आएंगे, कब आएंगे, आएंगे तब मैं पेड़ पे बैठे बैठे बता दूंगा, ठीक है। जब दोबारा जब भगवान राम और लक्ष्मण आते हैं, तब हनुमान जी एक दुआ बोलते हैं, बहुत प्रसिद्ध है, जो चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर, तिलक देत रघुवीर, चंदन घिसके
तो ये बोलते हैं तब बोध होता है और तुलसीदास जी भगवान को साष्टांग प्रणाम कर देते हैं। तुलसीदास जी भगवान को साष्टांग, भगवान उन्हें आशीर्वाद देते हैं और अपनी भक्ति, भगवान ने अपना स्वरूप दिखा दिया भक्त के लिए, इससे बड़ा क्या भक्त के लिए। तो तुलसीदास जी की भक्ति पूर्ण हुई, सफल हुई। जीवन के लगभग 80 वर्ष बीत गए, 87 वर्ष की जब तुलसीदास जी हो गए थे, तो भगवान शिव ने इनको प्रेरणा दी कि राम गाथा लिखो। हाँ, तुलसीदास जी ने शुरू किया, संस्कृत में लिखा, दिन में लिखते रात में सोते मिट जाता, 3 बार ऐसा लिखा। तो फिर पुनः भगवान शिव ने आके बोला नहीं, लौकिक भाषा में लिखो, जब लोक भाषा प्रचलन है उसमें लिखो। बोले किसमें? अवधि, लोक भाषा उसमें अवधि थी, तो फिर अवधि में लिखना शुरू किया। तो फिर रामचरितमानस अवधि में लिखना शुरू किया तुलसीदास जी ने, और 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन में रामचरितमानस का लेखन पूर्ण हुआ। 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन, 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन में रामचरितमानस का लेखन पूरा हुआ। और भक्ति योग का अनूठा ग्रंथ है, भक्ति योग का अद्वितीय अनुपम ग्रंथ है, ठीक है। तो इस प्रकार तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। रामचरितमानस, मन कैसा हो जाए? राम के चरित्र जैसा, तो मानस में रामचरित्र घुस जाए, इसलिए उन्होंने राम रखा रामचरितमानस। और रामचरितमानस में बहुत प्रकार के मानसिक बीमारियां, उनकी चिकित्सा का भी वर्णन है, ठीक है। विशेष एक कांड है, उस कांड में पूरा मानसिक रोगों की चिकित्सा का वर्णन है। तो इस प्रकार ये ग्रंथ 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में पूरा हुआ। काशी के विद्वानों को यह बात पची नहीं, संस्कृत के बाद ये इस भाषा में ग्रंथ, तो उन्होंने उसको मिटाने के लिए खूब प्रयत्न किया। तो कहते हैं कि भगवान राम और लक्ष्मण स्वयं जिस कुटिया में लिख रहे थे उसकी पहरेदारी करते थे, उस कुटिया की पहरेदारी, और उस रामचरितमानस को लोग नष्ट करना चाहते थे, नष्ट नहीं करने दी, रामचरितमानस को नष्ट करने नहीं दी। तत्पश्चात तो सबने शर्त लगाई, तो बोले कि ये ग्रंथ सबसे नीचे रखो, यदि ग्रंथ सबसे ऊपर आ जाएगा तो मान लेंगे हम लोग कि ये ईश्वर की योजना, ईश्वर की प्रेरणा से। तो काशी में उन्होंने काशी के विद्वानों को दे दिया कि लो, तो सबसे नीचे रामचरितमानस पर का बाकी सारे ग्रंथ रखे हुए थे। तो सुबह उठ के देखा तो रामचरितमानस सबसे ऊपर थी, वहां से काशी के विद्वानों ने उस ग्रंथ को मान्यता प्रदान की, ठीक है। अब तुलसीदास क्या थे? श्री कृष्ण भगवान को मानते नहीं थे, राम और लक्ष्मण के तो अनन्य भक्त, और श्री कृष्ण भगवान के प्रति बिल्कुल नहीं मानते थे। तब एक दिन भगवान कृष्ण के सामने आए, उन्होंने उनको प्रणाम भी नहीं किया। तब उसी समय तुरंत कृष्ण से बदल के भगवान राम रूप में आ गए, तो तुलसीदास जी को फिर एकदम पश्चाताप हुआ कि मैंने ये क्या कर दिया। तब बोला कि हम एक ही हैं, हम एक ही, राम और कृष्ण, मेरे कोई कोई भेद नहीं है। तो फिर इनको पूर्ण ज्ञान तब हुआ जब कृष्ण में भी इनको राम दिखे, मतलब राम रूप कृष्ण एक ही है, ये उनको पूर्ण ज्ञान का बोध हो गया, ये तुलसीदास जी को पूर्ण। और तब से तुलसी मुगल के भयंकर मुगल काल में घर घर में तुलसी की रामायण पहुंची, घर घर में तुलसी की रामचरितमानस पहुंची। इसलिए हमारा धर्मांतरण इतना बच गया, वरना आज आधा भारत अभी जितने हिंदू दिख रहे हैं उसमें से 5-10% ही मुश्किल से बचते। तो घर घर में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ठीक है, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, पूरा का पूरा रामचरितमानस, ठीक है। तो ये राम कथा, रामचरितमानस जन जन में विकसित हुई। इस प्रकार रामचरितमानस का इनके माध्यम से लेखन हुआ, जन स्वीकृति मिली और पूरे जन जन में छा गई। तो जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी, ठीक है, चोरी करके कैसे ही पुस्तकों बना बनू के जैसे ही बनाई, और विनोबा भावे के पास गए कि मैंने लिखी है। 1947 से पहले की बात है, गुलामी की बात है। तो विनोबा भावे को दिखाने गए कि मैंने लिखी है ये, कैसी आप बताओ। विनोबा भावे ने देखा, लगभग पूरी कांग्रेस के लोग थे, गांधी भी थे, सब थे, तो बोला ये तो गलत लिखा है क्या।
बोले अकबर का राज, अकबर का राज कहाँ था, घर घर में तो तुलसी का राज था उस समय। तो जवाहरलाल लज्जित हो गए, मुंह नीचे करके निकल दिए। ठीक है, तो उस विनोबा भावे की दृष्टि कितनी थी कि घर घर में तुलसी का राज था। तो 16वीं सदी में अकबर का जो साम्राज्य था पूरा अकबर, उस समय तुलसीदास की रामायण रामचरितमानस घर घर में थी, इसीलिए हमारा सनातन संस्कृति बच गई। ठीक है, अब इनकी साहित्य रचना ओरिजिनल अभी भी है क्या? रामचरितमानस तो ओरिजिनल ही है, होगी अवश्य, जिसमें बनाया उन्होंने, जिसको उन्होंने अपने हाथों से लिखा था, पोती को होनी चाहिए, मुझे ये नहीं पता इसके बारे में पूर्ण। ठीक है, क्योंकि होनी चाहिए, इतनी तो संरक्षित की होगी, अवश्य की होगी। ठीक है, अब इनकी रचना देखो, गुरु पहले ही बता चुका हूं, नरहरिदास। ठीक है, नरहरिदास और गुरु मंत्र राम, बस। अब इनकी रचना, तो सबसे श्रेष्ठ रचना तो रामचरितमानस, और दूसरे हनुमान चालीसा, जो ये दो विश्व प्रसिद्ध है, हनुमान चालीसा। ठीक है, तत्पश्चात विनय पत्रिका, दोहावली, वैराग्य संदीपनी, जानकी मंगल, ठीक है, अन्य अन्य 15-20 ग्रंथ लिखे, लेकिन ये दो प्रसिद्ध हैं। उसके बाद विनय पत्रिका, भगवान को पत्र लिखा इन्होंने राम को, विनयशील, एकदम विनम्रता पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, भगवान को विनय पूर्वक, अतिशय विनम्रता से, ठीक है, भगवान को पत्र लिखा, वो विनय पत्रिका के नाम से जाना जाता है। जब मीराबाई परेशान थी, देवर और ननद परेशान कर रही थी, तब उन्होंने तुलसीदास जी को पत्र लिखा था मीराबाई ने कि क्या करूं मैं ऐसे। तो तुलसीदास जी पत्र लिखते हैं, बड़ा मार्मिक पत्र है, तो बोलते हैं प्रभु मार्ग में जो जो बाधाएं आए, प्रभु मार्ग में जो जो बाधाएं आए उन्हें त्याग देना चाहिए, जैसे उन्हें कोटि वेत्रु, मतलब करोड़ों शत्रु के समान मानकर त्याग देना चाहिए। कैसे? कि जैसे भरत ने मां को त्यागा, भरत ने किसको त्यागा, भगवान के लिए मां को त्यागा, भरत ने मां को त्यागा, विभीषण ने भाई को त्यागा, विभीषण ने भाई को त्यागा, बलि ने गुरु को त्यागा, बलि ने गुरु को त्यागा, इसी प्रकार तुम भी संसार को त्यज दो, तुम भी इस जगत को छोड़ दो, करोड़ों शत्रुओं के समान मानकर, करोड़ों शत्रुओं के समान मानकर छोड़ दो। तो उदाहरण दिया, भरत ने मां को छोड़ा, विभीषण ने भाई को छोड़ा, बलि ने गुरु को छोड़ा, मैंने पत्नी को छोड़ा, तो आप भी संसार को छोड़ दो। तुलसीदास जी ने यह पत्र हुआ, मीरा ने तुरंत दरबार छोड़ के निकल गई। तो मीरा को भी मार्ग नहीं सूझ रहा था, तब तुलसीदास जी ने मार्गदर्शन दिया, प्रेरणा दी, और मीरा भी भगवान में समा गई। ठीक है, तो ये तुलसीदास जी का है। हनुमान बाहुक और भी बहुत बहुत इन्होंने रचनाएं की, एक दो तो मुझे याद नहीं आ रही है, इतनी तगड़ी है कि उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। मुसलमान भी जो है ना, तंत्र करते हैं ना भूत वाला, वो हनुमान जी को मान के करते हैं ये लोग जितने तंत्र वाले हैं ना, तो भूतों के अधिपति यही है, मतलब भूत सिर्फ और सिर्फ धरती पे डरते तो हनुमान जी से ही डरते हैं, हनुमान जी से ही डरते हैं। और अमर अजर, अजर अमर है, अजर अमर है, अपने यहां 8 अमर व्यक्ति माने गए हैं जिनकी मृत्यु निश्चित है और कालातीत तक रहते हैं, उनमें से हनुमान जी भी एक है। ठीक है, जहां जहां राम कथा आती है वहां वहां हनुमान जी रहते हैं। ठीक है, और तुलसी रामचरितमानस अवधी भाषा में राम गुण गाता है, अवधी भाषा में। ठीक है, ईश्वर की आज्ञा से इन्होंने लिखा, और इसका सबसे महावाक्य है, सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। ठीक है, सिया राम मैं सब जग जानी,
तो ये अद्वैत वेदांत का कथन है, सियाराम मैं सब जग जानी करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। इस प्रकार ये तुलसीदास जी का परिचय पूर्ण हुआ।